नमस्कार साथियों, आज हम अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। भाई यूएई में बहुत जगह ऐसा सुनने में आता है, कई बार आपने भी सुना होगा कि मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या एक्स वाई जेड किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, उसमें आप 6 महीने से साल 2 साल से काम कर रहे हैं, उस दौरान क्या होता है कि जो आपका कंपनी का मालिक है, रेस्टोरेंट का मालिक है, शॉप का मालिक, एक्स वाई जेड कोई भी है, वो उसमें मान लीजिए आपकी 2 महीने 4 महीने 6 महीने की सैलरी बकाया पड़ी है। बकाया होने के साथ साथ आपका जो मेन मालिक है, जो आपका फर्स्ट जो मालिक है, आपका कंपनी है, आपका नियुक्ता है, जिसने आपको हायर कर रखा है वीज़ा के माध्यम से, वो मान लीजिए किसी के साथ अग्रीमेंट कर लेता है, अपनी कंपनी बेच रहा है, अपना होटल बेच रहा है, अपनी शॉप बेच रहा है किसी को भी, तो उस दौरान आपकी सैलरी पेंडिंग में पड़ी है, उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो अपना होटल बेच देगा किसी को, और बेचने के भाई बाद में कौन सैलरी देता है? कोई नहीं देता। तो उस दौरान आपकी क्या स्थिति बनती है, दुबई लेबर लॉ क्या बोलता है कि आपकी सैलरी किस तरह से निकलेगी, उससे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो देखिए उसमें मैं बता दूं आपको कि आप मान लीजिए पहले वाले के पास काम कर रहे हैं साल 2 साल 3 साल से, आपकी 6 महीने से सैलरी बकाया पड़ी है, वो आपको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उस दौरान हो सकता है आपने जॉब में जाना बंद कर दिया, इस्तीफा दे दिया, कई रीज़न हो सकते हैं, और उसके बाद में मान लीजिए कि उसने वो रेस्टोरेंट होटल शॉप वगैरह कुछ भी हो उसको सेल किसी दूसरे को कर दिया। दुबई लेबर लॉ एक्ट 1980 के तहत एक्ट 22 में मैं बता दूं कि ये नियम बनाया गया है कि आपका जो पहले वाला मालिक है उसकी संपत्ति, उसकी शॉप दुकान होटल कोई भी, उसको जो दूसरे वाला खरीद रहा है, ठीक है, तो उस दौरान उनके दोनों के दोनों, जो खरीदने वाला और बेचने वाला, उन दोनों के दौरान अग्रीमेंट होता है। तो भाई देखिए जो बिजनेस बेचना होता है, किसी सेल करना होता है, उस पर वहाँ पर नौकर भी काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो वो दुबई लेबर लॉ ये बोलता है कि उसकी भी उसमें डिटेल तय होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि उसमें क्या होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि नया वाला खरीद रहा है, पुराने वाला बेच रहा है, तो वो होटल के उनका अग्रीमेंट होगा, पूरी उनकी डिटेल से जानकारी ली जाएगी, वहाँ पे वर्कर भी काम करें उनके बारे में भी सब कुछ, जिनकी जिम्मेदारी। कहने का मतलब ये है कि उनका जो अग्रीमेंट होता है उसके बाद में नए वाले ने जो जमीन, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, होटल मॉल शॉल जो भी है, उसमें उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले वाले की जिनकी सैलरी मजदूरों की नहीं मिली है, तो पहले वाला मजदूर अगर पहले वाला मालिक सैलरी नहीं दे रहा है तो जिसने खरीदे हैं वो उनको तनख्वाह देगा। जी हाँ, उसमें क्या हो जाता है कि वो अगर आप अगर मांग करते हो कि भाई मेरी सैलरी बाकी है, तो नए वाला क्या बोलेगा कि काम तो आपने उनके पास किया है, मैंने तो अभी इसको खरीदा है, तो मैं सैलरी क्यों दूँ, मैं तो नहीं दूंगा, आप उस पर मुकदमा करो, आप पे कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन नहीं जी, यहाँ पे ये जिम्मेदारी हो जाती है, जो नया मालिक है उसकी 6 महीने तक जिम्मेदारी बनती है कि भाई जब तूने खरीदे थे तो उस अग्रीमेंट में ये बात डिसाइड हो जाती है, आपके पास मजदूर कितने हैं, आपका होटल, आपकी शॉप कितनी घाटे में चल रही है, इसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से है, वगैरह वगैरह। तो मजदूरों की बात भी उसमें शामिल हो जाती है, उनकी तनख्वाह की बात भी शामिल हो जाती है। उसके बाद अगर वो नाटक करता है कि भाई आप पहले वाले अपने मालिक से सैलरी लो, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर दावा कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको 6 महीने तक की सैलरी दे। जी हाँ, क्योंकि जो खरीदता है ना उसका भी 6 महीने पहले से उसके ऊपर नियंत्रण माना जाता है, ये दुबई लेबर लॉ बोलता है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं होता भाई, इंडिया वाले तो बोलते हैं कि हमने तो खरीदा है भाई, तू जाने वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पे। लेकिन यूएई में नहीं बोलते, बोल देते हैं वहाँ पर भी, लेकिन आपको यूएई का लेबर लॉ का नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो आप उनको बाकायदा ये बात समझा सकते हैं कि आप अगर मेरी सैलरी नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने के मूड में हूँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ, तो उनकी फिर मजबूरी हो जाती है कि वो सैलरी दे, क्योंकि दुबई लेबर लॉ में ये बात ऐड की गई है कि जैसे ही दोनों उनको सेल क्रय विक्रय होती है, ठीक है, तो ये बात उसमें ऐड हो जाती है कि भाई 6 महीने के लेन देन का हिसाब किताब जो नया है, जो खरीदा है वो देखेगा, बकाया है तो वो चुकाएगा, इसलिए ये सैलरी नए वाले मालिक को देनी होती है, दुबई लेबर लॉ में ये बात लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो भाई आप इस तरह से अपनी सैलरी का निकालने का जुगाड़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।